नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नवाब नवाब मलिक जी, सभी वांग्याणी जी और उनके परिवार को और राजनीतिक नेताओं को टारगेट करने का ड्यूटी है, फैलाने का ड्यूटी, इंफॉर्मेशन देने का जो चल रहा है उसका निषेध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज इस प्रकार का निषेध आंदोलन का आयोजन किया है। महाराष्ट्र में जो अनेक प्रश्न है और जो अल्पसंख्यक के खाते के मंत्री नवाब मलिक है, उस डिपार्टमेंट के अनेक प्रश्न है, उनका जो अल्पसंख्यक है आज महाराष्ट्र में हिंदुस्तान में जो है उनकी समस्या है, उनका एजुकेशन की समस्या है, उनकी रोजी रोटी की समस्या है, उनकी नौकरी की समस्या है, ये समस्या ऊपर ध्यान देते हुए दूसरे ही जगह लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह से ये जो कर रहे हैं उसका हम लोग निषेध करते हैं। और महाराष्ट्र की जनता शुद्ध है, एक तरफ एसटी का जो हड़ताल चालू है, एसटी का जो आंदोलन चालू है, उसमें एसटी के ड्राइवर, कंडक्टर और स्टाफ है वो आत्महत्या कर रहे हैं। दूसरे बाजू खेड़ क्षेत्र के किसानों को आज भी जो किसानों को दुखते वादा और जो बारिश हुआ, जो दुकान दुष्काल पड़ के गिर गया, उसमें किसानों को जिस तरह से हेल्प देनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से वो हेल्प नहीं जा रही है। तो किसानों के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए काम न करते हुए बिगर काम का काम जो कर रहे हैं, ये गलत काम, उसका निषेध हम लोग करते हैं। सर, नवाब मलिक के लिए कचरा शेड शब्द का प्रयोग किया गया है, क्यों, क्या कारण बताएं? नवाब मलिक के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम सम्मानजनक करते हैं और महाराष्ट्र के मंत्री है हमारे, उसके लिए व्यक्तिगत मंत्री के नाते उसका पूरा आदर है, लेकिन जिस तरह की गंदी राजनीति वो कर रहे हैं उसका हम लोग निषेध कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं ये आरोप लग रहा है कि आपकी पार्टी के ही वो प्रवक्ता बन रहे हैं समीर वांगे, और इस वजह से वो महाविकास आघाड़ी पर टारगेट, वो जिस तरह से अपनी मुलाकात दे रहे हैं, पत्रकार परिषद दे रहे हैं, टारगेट, उसका हम लोग निषेध कर रहे हैं। सर, उन्होंने समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगा, इसके लिए ही आपका विरोध है कि सर क्या बताएंगे किस विषय को लेकर? पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में नवाब मलिक वर्सेस समीर वानखेड़े चल रहा है, ये क्या मामला है, क्या एनसीबी की कार्रवाई किस तरीके से प्रभावित की जा रही है, क्या है मामला? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्यन खान को जब अरेस्ट किया गया है, क्रूज पे जब अरेस्ट किया गया, 25 दिन बाद ये आज छूटा, ठीक है। वो कानूनन काम जो अधिकारी को, जो आपको अधिकारी पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी कानून के तहत राहुल महाजन को अरेस्ट किया गया था, इसी कानून के तहत संजय दत्त को अरेस्ट किया गया था, तब इसी महाराष्ट्र की धरती पर किसी भी मंत्री ने सवाल नहीं किया था कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया, इनको अरेस्ट करने वाला अधिकारी कौन है, उसका माँ बाप का जात क्या है, उसकी बीवी की जात क्या है। आज नवाब मलिक 25 दिन से उठता है सुबह और चालू हो जाता है कुछ ना कुछ उल्टे सुलटे, कुछ ना कुछ सवाल करता है। जब उसका दामाद पकड़े, उसने क्या किया, उसका दामाद 7 साल से अंदर था, तो ये शाहरुख खान के लड़के के नाम पे उसके कंधे पे अपनी बंदूक चला के अपनी जो टेढ़ी उसको सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मामला उठाया गया आर्यन के बहाने, इसके पीछे समीर वानखेड़े के पीछे जो साजिश है, उसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको अभी? अरे वो सच्चाई मैं बोलता हूँ, एक मंत्री का दायित्व क्या होता है कि तुम्हारा काम ये है, अगर तुमको कहीं पे भी कुछ गलत लगता है कि भाई ये अधिकारी गलत है, तो कोर्ट में जाके उसको सबूत पेश करो ना। जैसे कि हमारे मोहित कंबोज के ऊपर उसने आरोप लगाया था,
मोहित कंबोज जी ने दूसरे दिन पूरे परिवार का उसने टेस्ट करवा दिया, टेस्ट करवा के उसने उसके सामने रख दिया, उसने चैलेंज किया उसको नवाब मलिक को कि तुम्हारा परिवार का टेस्ट करवाओ, क्यों नहीं करवाया उसने? अगर तुम सच्चे हो तो तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया था? इसीलिए मैं आपके माध्यम से नवाब मलिक को बताना चाहता हूँ कि हम इटका जवाब पत्थर से देना जानते हैं। समीर वानखेड़े के पीछे क्या बीजेपी का मतलब साथ है उनको? अरे ये इनके पास और कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ भी हुआ तो केंद्र जिम्मेदार के। अरे तुमको अगर इतना ही है ना शौक है ना, तो तुम्हारा जो होम मिनिस्टर था अनिल देशमुख कितने दिन से 100 करोड़ की वसूली में फरार है, उसके बारे में कुछ बोलो ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ नवाब मलिक को कि क्या तुमको ठेका दिया है क्या ड्रग्स का? ड्रग्स से जितने माफिया उसके ठेकेदार तुम हो, इतने परेशान तुम क्यों हो रहे हो ना इसके लिए इतने? नवाब मलिक ने अभी एक बोले है कि कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी बड़ा नेता है, उनका हम लोग बड़ा घोटाला बाहर निकलने वाले। अरे निकालो ना, सबूत के साथ निकालो ना, हम थोड़ी रोक रहे हैं, सबूत के साथ आप निकालो ना, सबूत के साथ आप बिल्कुल कोर्ट आपके लिए न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, आप सबूत के साथ न्यायपालिका में जाइए। गुजरात में इतना बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट पकड़ा गया, उसके बारे में क्यों बात नहीं? भाई मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी जगह पे अगर जो भी एनसीबी जो कार्रवाई करती है उसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको उसका काम करने देना चाहिए। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।